हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे सत्तू और मावा की बर्फी। सत्तू मावा की बर्फी बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी सत्तू, एक कटोरी मैंने मावा लिया है, दो चम्मच मैंने घी लिए है, एक कटोरी मैंने पीसी हुई चीनी ली है, थोड़े से मैंने इलायची के दाने लिए हैं, थोड़े से मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे गैस पर, गैस को ऑन कर देंगे। कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच घी। अब हमने जो मावा लिया था उसको भी इसी तरह क्रश करके इसमें हम डाल देंगे। मावा को हम लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक भून लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं मावा मेरा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी का पाउडर, इसे भी अच्छे से हम मिला लेंगे। मेरा मावा और चीनी का पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे सत्तू, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो इलायची के दाने लिए थे उसको भी हम इसी में डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब इन सभी को हम लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं मेरा मावा और सत्तू अच्छे से भून चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। पहले हमने एक प्लेट ले लिया है, इसमें हम घी डाल दिए हैं। घी को हम पूरे प्लेट में अच्छे से फैला देंगे। आप देख सकते हैं मैंने पूरे प्लेट में अच्छे से घी लगा दिए हैं। अब इसे हम पूरे प्लेट में अच्छे से फैला देंगे। इस तरह से मैंने पूरे प्लेट में सत्तू और मावा के पेस्ट को अच्छे से फैला दिए हैं। अब हमने जो ड्राई फ्रूट लिए थे उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसे अच्छे से दबा देंगे ताकि ये इसमें से निकले नहीं। इस तरह से हम इसको काट लेते हैं बर्फी के शेप में। इस तरह से मैंने सारे बर्फी को काट लिए हैं। अब इसे हम आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। आधा घंटा हो चुका है, अब मेरा ये बर्फी ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब सारे बर्फी को हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं चाकू की मदद से। इस तरीके से हम निकाल के रख लेंगे। बाकी बर्फी को भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने सारे बर्फी को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिए हैं। मेरे सत्तू की बर्फी रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। We'll be right back.